प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों का नगर निगम में 20,000 की रसीद कटी है। उन्हें आवास के लिए 1,80,000 का ऋण लेना पड़ेगा, जिसे धीरे धीरे 15 वर्ष में भरना होगा, जिसका ब्याज दर 11.5% होगा। इस आयोजित कार्यक्रम में गरीबों ने आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि क्या समस्या आ रही है? नमस्ते। सबसे पहले सर यही बोला गया था कि मकान देंगे गरीबों को और खाली 20,000 रुपए जमा कर दीजिए और ब्याज के तौर पे नहीं देंगे, ब्याज एक पैसा नहीं लगेगा और 2,00,000 रुपए में मकान दिया जाएगा। तो हम लोग किसी तरीके से गरीब आदमी 20,000 रुपए जमा किए है ना। आज जो भोपाल से अधिकारी आए तो ये बोले कि जो तुरंत पैसा देगा तो उनको दिया जाएगा, और फिर भी जो नहीं देगा किस्त वाई किस्त तो उसको 11.5% ब्याज लगेगा। तो ये चीज तो पहले बता देना चाहिए सर। तो जिसका इच्छा पड़ता तो देता और रसीद कटाता, और नहीं पैसा रहता तो नहीं कटाता। अब आज गरीबों का पैसा लेके और मकान बना के और चूतिया बना के आज बड़े बड़े लोगों को मकान दिलाया जा रहा है, और हम लोग गरीब भटक रहे हैं इधर उधर करे। ये कोई बात थोड़ी हुई सर, बताइए। ये मीटिंग के लिए कितने बार बुलाया गया था? मीटिंग के लिए अरे 10 बार यहाँ बुलाए। नगर निगम में आइए, बिंदा नगर में आइए, यहाँ आइए, यही चूतिया बनाए। हम लोग खाना पीना न खाए, इतने बड़े धूप में ठंडी में दौड़ते दौड़ते चले आए। जिसके पास वाहन है तो वो चला आए, जिसके पास नहीं है सर तो पैदल नहीं आएगा, नहीं उसके पास 20,000 रुपया देने के लिए। क्या इसके पहले आपको ब्याज के संबंध में नहीं बोला गया? नहीं, कुछ भी नहीं बोला गया सर, कुछ भी नहीं। सब पब्लिक बोला, किससे बोला गया है? कोई भी नहीं बोला है। आज ऐसा हम लोग के साथ, पब्लिक के साथ, बहन भैया के साथ ऐसे गरीबों को क्या रहा है? तो कल सर ऐसा करना था तो गरीबों से पैसा नहीं लेके हम लोग से मकान नहीं बनाता।